स्टार्ट है ना, वीडियो ऑफ है क्या? गुड इवनिंग सर। हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। आप सबों को हमारी आवाज जा रही है? यस सर, आ रही है। पावर ऑन, एफएम रेडियो मोड, आवाज जा रही है? यस सर, जा रही है। यस सर, आवाज आ रही है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलिए, तो पिछले क्लास में हमने एनसीईआरटी का सवाल देख रहे थे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, जिसमें कहां तक क्वेश्चन किए थे? 15 तक कर लिए थे। 15 का 3 नंबर बता दीजिए सर। 15 का एक बार फिर से बता दे। नहीं सर, 15 का 3rd नंबर सर, नहीं हुआ है। चलिए, 15 का 3rd नंबर क्वेश्चन। और भी कोई डाउट है इसमें 1 से 15 तक में? बोले थे आप सबों को 1 से 15 तक आप सॉल्यूशन करके सर के व्हाट्सएप पे भेजने के लिए, तो आप सब सुने ही नहीं। हाँ, कुछ अब सिंगल सिंगल करने की आवाज आएगी और एक साथ हम भेजे थे सर व्हाट्सएप पर। हाँ, तो एक दो स्टूडेंट तो नहीं है और सारे स्टूडेंट, तो जो भी नहीं भेजे हैं उसके लिए है कि आप काम कीजिए, बार बार काम नहीं करोगे तो मुश्किल है। काम सर नोट्स बनाए हैं, सर नोट्स बनाए हैं लेकिन भेजे नहीं है, दिखा सकते हैं सर? उसको भेज दीजिए, व्हाट्सएप पे भेजिएगा, तभी सर को विश्वास होगा नहीं काम किए हैं। अभी तो एनसीईआरटी पकड़े हैं, उसके बाद जो है आपका इसी पे क्वेश्चन बैंक का भी काम करेंगे, असाइनमेंट का भी काम करना है। हमारा ऐप आ रहा है, ऐप पे तो और ज्यादा जबरदस्त काम करेंगे, यानी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अभी समाप्त नहीं हुआ जी। एनसीईआरटी का सोल्यूशन करने के बाद कुछ आपका क्वेश्चन बैंक का कुछ काम करना है, उसके बाद असाइनमेंट का वर्क करेंगे। और ऐप आ रहा है, देखो बुधवार तक तो बहुत भला है, फाइनल डेट दिया है कि बुधवार को सर आपका ऐप लॉन्च कर देंगे हम। चलिए, सारे स्टूडेंट आ गए हैं, स्टार्ट करें काम। यस सर। चलिए, तो एक स्टूडेंट पूछे थे कि सर 15 का 3rd नंबर क्वेश्चन एक बार फिर से बता दीजिए। वही का नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में डिस्कस करना है। चलो 15 का चलिए, इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ था? CO C2O4 होल 3, इस पे चार्ज है -3। किसका सवाल है सर? मेरा है। नाम क्या है बताओगे तुम? मेरा है सर, बाबू भगत। बाबू भगत जी, बताइए इसमें कहां प्रॉब्लम है? ये तो आप जानते हैं, ये बाइडेंटल लिगांस है। यस सर। और ये स्ट्रॉन्गर लिगांस है, ये भी ध्यान रखना। ये हमारा कौन सा लिगांस है? स्ट्रॉन्गर लिगांस है, तो ये ध्यान सर यही यहाँ पर सर यही सर हो गया सर, यहाँ पर वीकर लिगांस दे दिए थे, इसी कैसा हो गया सर, यही मिस हो गया सर, स्ट्रॉन्गर लिगांस। चलिए, अब तो सवाल सॉल्व कर सकते हैं आप। यस सर, यहाँ पे हम इसको वीकर लिगांस ले लिए थे, इसलिए आपका क्वेश्चन गलत हो रहा था। चलिए अगला देखते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन। सारे स्टूडेंट के पास बुक है, अगर बुक नहीं है तो आपके स्क्रीन पे बुक दे रहे हैं, उसको बुक है सर,
बुक है, बहुत सारे स्टूडेंट शिकायत कर रहे थे सर बुक नहीं है, धीरे धीरे डेवलप कर रहा है सब कुछ आपका, और देखना कि ऑफलाइन से बेहतर हो जाएगा ऑनलाइन, हमें पूर्ण विश्वास है जो आपका ऐप लॉन्च करेंगे उसके बाद ऑफलाइन से बेहतर हो जाएगा आपका ऑनलाइन, ठीक है, घर बैठे, क्योंकि आप सब तो ट्वेल्थ के स्टूडेंट है, ये भली भांति जान रहे हैं कि सर पढ़ाई में कम खर्च होता था और रहने में ज्यादा खर्च होता है, अगर उस तरह का फैसिलिटी हो जाए कि घर बैठे हम काम कर सकते हैं तो उससे बेहतर और क्या होनी चाहिए, गार्जियन के नजर भी रहेगा, गार्जियन भी को भी पूर्ण विश्वास होगा स्टूडेंट को कि नहीं हमारा स्टूडेंट पढ़ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट का, बहुत सारे गार्जियन का ये कंप्लेन है कि सर ठीक है आप क्लासरूम में काम कर देते हैं, घर पे वो रूम पे वर्क करता ही नहीं है, सही बात है कि हम भी दिवाच कर रहे हैं कि क्लासरूम में स्टूडेंट का एफर्ट बहुत अच्छा रहता है, लेकिन रूम पे जाके जो वहाँ गैदरिंग होने लगता है लॉज में, 10 गो विशेषज्ञ बैठ जाता है, ठाका लगा रहा है, समय को बर्बाद कर रहे, तो गार्जियन के पास आप रख के वर्क कीजिएगा तो गार्जियन तो आप पे पैनी नजर रहेगा, ध्यान से देखते रहेगा क्या काम कर रहे हैं। चलिए तो सारे स्टूडेंट के पास एनसीईआरटी किताब है, जिसके पास किताब नहीं है वो अपना इस पे आएगा, अपना स्क्रीन पे देख लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 16 जरा देखते हैं, कह रहा कि 16 नंबर क्वेश्चन, ड्रॉ फिगर सो दैट सो द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन एन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड, बताओ ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में स्प्लिटिंग के बारे में बताए थे कि नहीं, जिसमें टूटा था T2G और EG में डिवीजन हो गया था आपका, तो इसी डायग्राम को बनाना जाए, एक बार फिर से हम डायग्राम बनाते हैं आपको बेहतर समझ में आएगा, और कॉपी में इस बात को हम क्लासरूम में काम किए। देखो ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग का डायग्राम अगर बनाना है तो ये हमारा डी ऑर्बिटल, जब लिगांस का अप्रोच होता है तो ये दो पार्ट में टूट जाता है, एक हमारा बनता है ईजी ऑर्बिटल जिसमें दो ऑर्बिटल आता है, ये ईजी है, और दूसरा होता है आपका T2G जिसमें तीन ऑर्बिटल आता है, और इसी को कहते हैं बेरी सेंटर, ये हमारा ये पॉइंट, यहां से ये बेरी सेंटर है, यहां से ऊपर और नीचे। अंकित कुमार प्रेजेंट हो, दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। तो ये बताओ अंकित, अंकित बोल रहे हो? चलिए अंकित नहीं है, अंकित आप से ना, बाबू भगत। यस सर। ये बताओ कि ये बेरी सेंटर है, बेरी सेंटर से ऊपर और बेरी सेंटर से नीचे ये कितना आता था, बेरी सेंटर से ऊपर का वैल्यू क्या आता था सर? 0.6 डेल नॉट, 0.6 या फिर आपका कहेंगे 3/5, यही ना होता था ऑक्टाहेड्रल? यस सर। और इसका 2/5 -0.4 माइनस, और ये कौन सा होगा, प्लस हो जाएगा, बेरी सेंटर से ऊपर जाता है तो प्लस और माइनस, इसी डायग्राम को बनाना था, यही डायग्राम सर। हाँ बोलिए सर। वो 15 का 3 बना ही दीजिए, क्योंकि सर उसमें जो है ना कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो नहीं हो रहा है सर। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। पहले ये देखो, ये बाइडेंटेड लिगांस है, ये कौन सा लिगांस है? डाइडेंटेड लिगांस या बाइडेंटेड लिगांस होता है, डाइडेंटेड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका निकालेंगे, संख्या 3 ना, 1 का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यस सर। अब बताओ, अब प्रॉब्लम है? नो सर। अब कोबाल्ट का तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, प्लस 3 आएगा। यस सर, प्लस 3 अब हो जाएगा सर, यही। चलिए हो गया, 16 नंबर क्वेश्चन तो समझ गए? Yes, sir. इसी को डायग्राम को दिए थे आपका, स्पष्ट कहे थे, डायग्राम को क्लियर किए थे हम, जाके देखना वीडियो में इसके बारे में बताए थे, बेरी सेंटर से ऊपर और बेरी सेंटर, इसी डायग्राम को लिखना था।
अगला 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपका, 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपका कि व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीज, क्या इसको डिफाइन किए थे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीज को? यस सर। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीज है क्या? तो कहेंगे अरेंजमेंट ऑफ लिगांड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लिगांड्स का जो अरेंजमेंट किया गया उसी सीरीज का नाम क्या होता है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है। चलिए तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को तो डिफाइन कर सकते हो, ऐसे हम वीडियो में भी उसको डिफाइन किए हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को। अब सेकेंड क्वेश्चन इसी में कह रहा है क्या, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ए वीकर लिगांड्स, वीकर फील्ड लिगांड्स एंड ए स्ट्रॉन्गर फील्ड लिगांड्स। तो ये ऑलवेज याद रखना कि लोअर लोअर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन वीकर फील्ड लिगांड्स, वीकर फील्ड लिगांड्स में लोअर आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होता है, जबकि स्ट्रॉन्गर लिगांड्स में हायर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होता है। तो एक लाइन लिख लो इसमें, वीकर फील्ड लिगांड्स के बारे में बात करेंगे, लो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जबकि स्ट्रॉन्गर, यहां लिख लो स्ट्रॉन्गर के बारे में बात करें, हायर CFSE, ये फुल फॉर्म क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इसमें हायर होगा, इसमें क्या होगा? लोअर होगा। वीकर फील्ड लिगांड्स है तो स्प्लिटिंग एनर्जी जो होता है इसका वैल्यू ज्यादा होगा किससे? तो पेयरिंग एनर्जी, सॉरी इसका वैल्यू कम होगा किससे? तो पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी से ये वैल्यू कम होगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का। जबकि स्ट्रॉन्गर अगर लिगांड्स है तो इसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को डेल्टा नोट से इंडिकेट करते हैं, इसका वैल्यू ज्यादा होगा किससे? पेयरिंग एनर्जी से। अगर पेयरिंग एनर्जी से इसका वैल्यू ज्यादा होगा तो ये पेयर कर देगा, इसका मतलब ये हमारा पेयरिंग एनर्जी है। और ये हमारा CFSE है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाइडल में, तो यही डिफरेंस है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसको। हो गया सर। और किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? किसी को कुछ पूछना भी है? नो सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है ये कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक व्हाइल ये कंपाउंड इज डायमैग्नेटिक, एक्सप्लेन व्हाई। क्या इसके बारे में डिफाइन कर सकते हो, एक्सप्लेनेशन कर सकते हो कि ये पैरामैग्नेटिक है और ये डायमैग्नेटिक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? yes. तो पहले सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, निकालोगे ना, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना पड़ेगा और लिगांस को देखना होगा स्ट्रॉन्गर लिगांस है या वीकर लिगांस है। इत्तेफाक से दोनों जगह कौन सा लिगांस है? स्ट्रॉन्गर लिगांस ही है। चलिए बनाना पड़ेगा इसको। यस सर। यस सर, वेरी गुड सर। ट्राई किया है, नहीं हुआ इसलिए। अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको फिर से हम काम कर देते हैं। आज से फाउंडेशन बैच स्टार्ट किए थे जी, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट, आप सब का सपोर्ट बहुत कम था। क्या प्रॉब्लम हो रहा है पता नहीं, क्या आप सब को ऑनलाइन क्लास समझ में नहीं आ रही है?
सर आ तो रहा है लेकिन स्टूडेंट सब लॉकडाउन के चलते पढ़ना ही नहीं चाहता है, बता कौन लॉकडाउन में पढ़ेगा। अच्छा मस्ती कर रहा है, आज नहीं पढ़ा है तो कल तो पढ़ना पड़ेगा उसको। हाँ तो सर उसको सर जबरदस्ती पढ़वा तो नहीं सकते हैं, कल तो पढ़ना ही पड़ेगा उसको। कह दीजिएगा आज मत पढ़ो, आज खूब खेलो, लेकिन कल जब जैसे आपको प्रेशर आ रहा है तो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो 11th में खूब इंजॉय कर लो, लेकिन 12th आओगे तो फिर तो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन जिस स्टूडेंट का सोच, देखो जिस स्टूडेंट का सोच आता है कि नहीं हमको आगे भविष्य में केवल 12th ही नहीं है, 12th के आगे भी काम करना है, तो वो तो कॉन्शियस स्टूडेंट है। कॉन्शियस स्टूडेंट नहीं रहता तो आज के पहला इंट्रोडक्शन क्लास था और आप सबों का यानी ठीक है बहुत सारा सपोर्ट आया, तभी आपके पास जो है हमारे समझ से 32 या 34 स्टूडेंट थे आपका ऑनलाइन क्लास में। आज पहला क्लास था, इंट्रोडक्शन क्लास था, उसमें 34 स्टूडेंट प्रेजेंट थे। किसके मदद से? हमारे स्टूडेंट के थ्रू आपका जानकारी हुआ, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में और कहाँ से स्टूडेंट से खबर मिलता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कॉपरेशन कर रहे हैं, मोटिवेशन करना है, मोटिवेट करो। मोटिवेशन अगर अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक स्टूडेंट ज्वाइन करेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं मोटिवेट करने में आप असफल रहे, जिसके कारण स्टूडेंट जो है कुछ वीडियो देखो दो चार क्लास करेगा तो अपने आप उसको समझ में आ जाएगा केमिस्ट्री क्या है, कैसे काम करते हैं। शुरू में का 4 क्लास 5 क्लास 6 क्लास करके देखो, अगर 2-4 क्लास भी करेगा तो उसको ऑब्वियसली है कि फिर जाना नहीं पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन जहां देखते हैं, इसलिए प्रयास छोड़ना नहीं है, प्रयास करते रहना है, ठीक है। 2-4 स्टूडेंट को से ही भविष्य नहीं होता, और भी स्टूडेंट है उसको इंफॉर्मेशन देना, आपका काम है केवल इंफॉर्मेशन, वो करे या नहीं करे वो उसका इच्छा है, हमारा काम है इंफॉर्मेशन देना, इंफॉर्मेशन देंगे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, ये बताओ कि ये क्रोमियम है Cr(NS3)6 और इस पे +3 चार्ज, इसका मतलब ये तो 0 होगा, यानी क्रोमियम पे +3। अगर क्रोमियम +3 है इसके लिए यूज करेंगे आर्गन 18, उसके बाद आपका 3D 3+ में है, सॉरी 3D 3 होगा, ये नहीं होगा, और डी में 3 इलेक्ट्रॉन है, तब तो वहां स्ट्रॉन्गर और वीकर लिगांड्स के बारे में तो चर्चा ही नहीं करेंगे, क्योंकि डी में जब 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है, 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है, तब वहां पे स्ट्रॉन्गर और वीकर का केस देखा जाता है कि स्ट्रॉन्गर लिगांड्स अनपेयर्ड को क्या करेगा, पेयर्ड करेगा। लेकिन डी में अगर 3 ही इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, T2G में। स्ट्रॉन्गर लिगांड्स क्या करता है, पहले T2G को पूरी तरह से कंप्लीट करता है, तब EG में इलेक्ट्रॉन जाता है। इसका मतलब डी में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है, आप स्ट्रॉन्गर लिगांड्स लाए, स्ट्रॉन्गर लिगांड्स का काम क्या होता है कि T2 और EG के बीच में डिफरेंस ज्यादा कर देता है, इतना ज्यादा डिफरेंस हो जाता है कि एक सबसेल के डिफरेंस के बराबर होता है। तो पहले T2G में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, उसके बाद किस में भरेंगे, EG में भरेंगे, यही कॉन्सेप्ट होता है पेयरिंग का कॉन्सेप्ट। अब 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन तो इसी में जाएगा, हाँ 4th इलेक्ट्रॉन अगर है तब EG में भी जा सकता है और T2G में भी जा सकता है। अगर स्ट्रॉन्गर लिगांस होगा तो फिर T2G में जाएगा, वीकर लिगांस होगा तो EG में जाएगा, समझ लो हमारी बात को। इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन आपका T2G में जाएगा, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन, EG के पास इलेक्ट्रॉन है। अब याद को तो यहाँ पे जो है EG तो पूरी तरह से वैकेंट है हमारा, EG में 2 ऑर्बिटल है, दोनों के दोनों ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है। इसका मतलब इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 3। अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगा, इसका मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 तो नेचर में क्या हो जाएगा, ये पारामैग्नेटिक। ये नेचर में हमारा पारामैग्नेटिक हुआ। दूसरा इसी में कर रहा है आपका सेकेंड जो है आपका निकेल के बारे में बात करें, NiCn का 4
अब इस पे माइनस टू है। चलिए इस कंपाउंड के बारे में देखेंगे, ये माइनस फोर माइनस टू बचना चाहिए, यानी ये प्लस टू होगा, यानी निकेल प्लस टू का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, निकेल प्लस टू का, ये हमारा कौन सा लिगांस है, तो कहेंगे ये स्ट्रॉन्गर लिगांस है। ये भी स्ट्रॉन्गर लिगांस है, अमोनिया भी स्ट्रॉन्गर लिगांस है, लेकिन डी में तीन ही इलेक्ट्रॉन था इसलिए इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब ये स्ट्रॉन्गर लिगांस है तो निकेल प्लस टू, इसके लिए यूज करेंगे आर्गन 18 और 3D क्या हो जाएगा 8। अब देखो स्ट्रॉन्गर लिगांस है तो ये क्या करेगा, अनपेयर्ड को पेयर्ड करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है, इसको 4 को वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए जिसमें डी का एक ही ऑर्बिटल वैकेंट चाहिए इसको। अब पेयर फॉर्म लिखेंगे तो ये 2, 4, 6, 8, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका DSP2। हाइब्रिडाइजेशन तो बताए थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा तो नेचर में ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेट। डायमैग्नेट समझ में आ गया कैसे काम किया सर? बोलिए। यस सर। कुछ प्रॉब्लम भी है इसमें? नो सर। डाउट है तो खुल के पूछो, जब तक नहीं खुल के पूछिएगा तब तक मुश्किल है भाई। चलिए तो इसमें कोई डाउट नहीं, अगला क्वेश्चन की ओर मूव करें, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ए सॉल्यूशन ऑफ ये कंपाउंड इज ग्रीन बट ए सॉल्यूशन ऑफ इस कंपाउंड का कलरलेस एक्सप्लेन। ठीक उसी तरह कोई ग्रीन कलर है कोई कलरलेस है, इसका मतलब कहने का क्या अर्थ हुआ कि अगर ग्रीन कलर होगा तो ऑब्वियसली उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण कलर शो करता है। कोई कलरलेस है इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। अब इसी बात को प्रूव करना है कि किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसके कारण वो ग्रीन कलर दिया, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा वो कलरलेस कंपाउंड होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन में पहला कंपाउंड दिया है NiH2O का होल 6, इस पे प्लस 2, ये तो वीकर लिगांस है, अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालते हैं, चलिए तो वाटर का तो वाटर कंपाउंड होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ प्लस 2 है इसका मतलब निकेल प्लस 2, निकेल प्लस 2 का अगर लिखेंगे इसके लिए आर्गन 18 और 3D8 वीकर लिगांस है, इसका मतलब ये अनपेयर्ड को पेयर्ड नहीं करेगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, इसका मतलब यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन 2 है, तो नेचर में पारामैग्नेटिक। एंड सो ग्रीन कलर, इसलिए ये शो करता है कौन सा कलर, ग्रीन कलर शो करता है। चलिए अगला कुछ एक इसी में सेकेंड है आपका,
फिर वही दिया आपका एन आई सी एन का हॉल फोर या माइनस टू, ये तो हमारा स्ट्रॉन्गर लिगांस है। निकेल प्लस टू, यहां देखोगे ना माइनस फोर माइनस टू बचना चाहिए, ये क्या हो जाएगा प्लस टू, निकेल प्लस टू। इसके लिए आर्गन 18, 3D8, लेकिन ये स्ट्रॉन्गर लिगांस है तो ये क्या करेगा अनपेयर्ड को पेयर्ड कर देगा, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8, इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। नेचर में डायमैग्नेटिक एंड सो कलरलेस, इसलिए ये कलरलेस होता है। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और डाउट है तो पूछो। हो गया सर। कोई डाउट भी है सर? नो सर, नो सर, नो सर। चलिए बस देख रहे हैं, दो चार स्टूडेंट हैं थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं, और सब सोया हुआ है क्या जी? और सब स्टूडेंट जो है खाली वीडियो ऑन करके चले गए हैं कहीं क्या? नो सर। चलिए तो ठीक है, हाँ हाँ हो गया। अब ऑडियो को क्या करना, म्यूट कर देना, समझ गए हाँ आप सब प्रेजेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, जा देखो कह रहा ये कंपाउंड और ये कंपाउंड आर डिफरेंट कलर इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, व्हाई? ये दोनों दोनों डिफरेंट कलर देता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसके पीछे काउज क्या है? तो देखेंगे ये दोनों कंपाउंड के पीछे काउज देखेंगे आपका, फिर से अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकालना है। समझा ये कलर कोई डिफरेंट कलर दे रहा था इसका मतलब इसके पीछे काउज है अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अगर दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएगा तो सेम कलर देगा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होगा तो डिफरेंट कलर देगा, ठीक है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक में है एक में नहीं है तो एक कलर होगा एक कलरलेस होगा। तो इस तरह से यहाँ पर भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, यहाँ से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 21 नंबर। क्या छोड़ दीजिए बना लेंगे 21 नंबर, दोनों कंपाउंड का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे एक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका जीरो होगा, दूसरे में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका फोर हो जाएगा। बन जाएगा सर? बन जाएगा, यस सर। चलिए यस सर, इसको छोड़ दें। यस सर, यस सर, छोड़ दीजिए। अगला करा 22 नंबर, 22 नंबर क्वेश्चन करा डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स। मेटल कार्बोनाइल में बॉन्डिंग को डिस्कस करना, याद रखना मेटल कार्बोनाइल में जो होता है, मेटल कार्बोनाइल यही होता है एम सीओ का हॉल एक्स, इसी को मेटल कार्बोनाइल कहते हैं, यानी मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच बॉन्ड होता है मेटल कार्बोनाइल। स्पष्ट है नाम से स्पष्ट है, बॉन्डेड विथ मेटल एंड कार्बोनाइल, मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच जो बॉन्ड बनता है उसी बॉन्ड के बारे में बात करना है। तो देखो जी मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा एच वेल एच पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सिग्मा बॉन्ड भी बनता है और साथ ही साथ क्या बनता है पाई बॉन्ड का भी फॉर्मेशन होता है। मेटल कार्बोनाइल में फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बिटवीन मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड,
कोई मेटल है, ये मान लेते हैं ये सेंट्रल मेटल है, कार्बन मोनोऑक्साइड सी डबल बॉन्ड ओ, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है कार्बन के पास, क्योंकि कार्बन तो दो ही बॉन्ड बना रहा है, यानी दो इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है, इसलिए ये लिगांड्स के तरफ बिहेव करता है और ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है, जिसके कारण सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन साथ ही साथ इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, जो कि एंटी बॉन्डिंग पी ऑर्बिटल होता है, और उसमें फादर ये जो होता है डी ब्लॉक के मेटल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड भी बनता है और साथ ही साथ डी ऑर्बिटल के मेटल जो होता है ये पाई बॉन्ड का भी फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब इसमें ऐसे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिहेव एज डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड की तरह जब बिहेव करता है तो इसमें सिग्मा बॉन्ड भी होगा और साथ ही साथ कौन सा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड भी होगा। ये हमारा कार्बोनाइल है। As well as pi bond, सिग्मा के साथ साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन आपका करेक्ट, गिव द ऑक्सीडेशन स्टेट डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। क्या बता सकते हो इसमें, ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हो? यस सर। हाँ, सिक्स ऑक्सीडेशन नंबर। डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना है और आपका कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है, ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, एक एग्जांपल लेते हैं, कोई एक सवाल इसमें से पूछ लो 9.23 में। सर दो नंबर सर। यस सर। चलिए तो सेकेंड नंबर देख लेते हैं। सेकेंड नंबर दिया है सीस। सीस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म होता है सीस, इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमीन शो कर रहा है, इथिलीन डायमीन Cl2 बाहर Cl। चलिए ऑक्सीडेशन है। अच्छा बताओ, ये तो बायडेंटेड लिगांस है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? ये बायडेंटेड है, इसकी संख्या दो है तो 2 × 2 नहीं होगा, बायडेंटेड लिगांस है, एक का कोऑर्डिनेशन नंबर दो, ऐसा दो है तो दो का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4 प्लस क्लोरीन मोनोडेंटेड लिगांस है, 1 × 2 हो जाएगा, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं, तो इथिलीन डायमीन ये तो आपका कंपाउंड होता है इथिलीन डायमीन, जिसके कारण इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ -2, यहाँ -1, नेट को 0 करना, ये +3 होगा, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर आ गया आपका, कोऑर्डिनेशन नंबर तो पता चल गया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, +3। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्रोमियम 3+, इसके लिए लिखेंगे आर्गन 18 और 3d क्या हो जाएगा, 3d में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें आपका दो पार्ट में बांटेंगे T2g और Eg। T2g में आपका 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, जबकि Eg के पास इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 0 होगा। अभी जस्ट बताए थे ना डी क्रोमियम 3+ का, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे, बताए थे आप, समझे, इसी तरह से सारा काम करना है, हो जाएगा? Yes, yes, sir. अच्छा इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन बता दो, तीन इलेक्ट्रॉन, तीनों के तीनों अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 3। मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हो, म्यू का मान अंदर एन इंटू एन प्लस क्या हो जाएगा, 2। बहुत सारा चीज बता सकते हैं, नेचर में बता सकते हैं, ये पारा मैग्नेटिक होगा, कलर स्पेसीज होगा। चलिए जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लो उसका।
हो गया सर, हो गया, हो गया सर, सारे स्टूडेंट का हो गया है। यस सर। कोई डाउट भी है इसमें, कुछ सवाल में, दोनों सवाल में कहीं डाउट भी है? सर। हाँ बोलिए, बोलो डिंपल महाजन, क्या कुछ पूछना था? नो सर। चलिए तो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हो जाएगा सारा इसमें, हो जाएगा जी, इसमें जो क्वेश्चन बचा हुआ ये हो जाएगा ना आपसे? यस सर, यस सर। चलिए तो आगे बढ़े। हाँ बोलो, हो जाएगा सर। चलिए सर, सर कह रहे होंगे अगला कुछ पूछना। चलिए अगला क्वेश्चन 9.24 में जा देखो, तो 9.24 में राइट डाउन द आईपीएक नेम ऑफ इच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। क्या सबका आईपीएक नेम लिख सकते हो? नोमेनक्लेचर पढ़े थे ना? यस सर, यस सर, यस सर, हो जाएगा सर आईपीएक नेम। यहां तक तो हो जाएगा। अब कह रहा एंड इंडिकेट द ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिख सकते हो। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं, और कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर भी बता सकते हैं। यही तो काम करना है अगला में, अगला में केवल नोमेनक्लेचर, एक एक्स्ट्रा नाम भी लिखना है साथ ही साथ। हो जाएगा, हो जाएगा। और स्क्रीन पे ये कौन शेयर कर रहा है, लड्डू बना रहा है, कुछ बना रहा है, बड़ा समस्या है ये। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करा व्हाट इज मीन्ट बाय स्टेबिलिटी ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन सॉल्यूशन। स्टेबिलिटी का क्या आपका फैक्टर है? स्टेट द फैक्टर विच गिव स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी स्टेबिलिटी के बारे में बताए थे, लेक्चर दिए थे स्टेबिलिटी का, जाके देखना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है या स्टेबलाइजिंग कांस्टेंट जो होता है वो इफेक्ट करता है आपका, दूसरा लिगांस आपका इफेक्ट करता है, तीसरा सेंट्रल मेटल के बारे में बताए थे, सेंट्रल मेटल भी आपका स्टेबिलिटी कांस्टेंट को इफेक्ट करता है, क्योंकि स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो कई फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला आपका स्टेबिलिटी फैक्टर स्टेबिलिटी कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, जिसको बीटा से इंडिकेट करते थे स्टेबिलिटी कांस्टेंट को, बीटा से डी पे है, उसी को आपका डिसोसिएशन, इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन कांस्टेंट इनवर्स होता है बीटा का, जो कि एक सवाल भी बताए थे इस पे। तो बीटा के, जिसका बीटा का मान जितना ही ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट उतना ही ज्यादा। लिगांस पे डिपेंड करता है, मोनोडेंटेड लिगांस और आपका पॉलीडेंटेड लिगांस। मोनोडेंटेड लिगांस अगर प्रेजेंट है तो वो लेस स्टेबल होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और पॉलीडेंटेड लिगांस है तो वो कंपाउंड मोर स्टेबल देखा गया। तीसरा देखे थे आपका ऑक्सीडेशन नंबर, अगर आपका सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है तो उसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी क्या होता है, स्टेबिलिटी भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो ये तीन कोई लिख रहा है क्वेश्चन पे, कौन सा क्वेश्चन पे कोई लिख रहा है कुछ ऐसे गोला बना रहा है? हाँ तो उसका काम ही है कि वही करना है, और क्या करेगा। ठीक है, वैसे स्टूडेंट भाई सावधान हो जाइए, नहीं तो फिर अगले बार से क्वेश्चन भी आपको नहीं मिलेगा। स्क्रीन शेयर करने के लिए दे रहे हैं, इसका मतलब इसका गलत यूज नहीं कीजिए, अगर गलत यूज किएगा तो फिर से स्टॉप कर दिया जाएगा। ठीक है सर, का कुछ नहीं, सर तो और ढेर सारा फैसिलिटी देना चाह रहे, लेकिन कुछ स्टूडेंट हैं जो कि यानी काम कम इधर उधर का वर्किंग ज्यादा करेंगे। चले तो इसको इसमें जाके देखना, उसमें अगर नहीं बनेगा तो फिर आपका वर्किंग करना, लेक्चर जाके देखना, वीडियो लेक्चर में स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बारे में बताएं। यस सर। करा व्हाट इज मीन्ट बाय द चेलेटिंग इफेक्ट, चेलेटिंग इफेक्ट के बारे में बताए थे, चेलेटिंग लिगांस। यस सर। चेलेटिंग लिगांस इंक्रीज करता है स्टेबिलिटी को, स्टेबिलिटी को चेलेटिंग लिगांस क्या होता है, इंक्रीज करता है। एक बार फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा, टाइम समाप्त हो रहा है, फिर से री मीटिंग करो।
हो गया स्टार्ट।